वेल, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज सनस्क्रीन स्टिक्स। जी हाँ, सनस्क्रीन स्टिक्स आ चुकी हैं और ये आने वाला एक फ्यूचर है। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सनस्क्रीन स्टिक्स में ऐसी पोटेंशियल है जो आने वाले टाइम में आपके रेगुलर जो सनस्क्रीन है शायद उन्हें रिप्लेस कर दे। क्या ये सही है, क्या ये गलत है, जानेंगे इस वीडियो में। साथ के साथ ही मैं आपको बताऊंगा होती क्या है सनस्क्रीन स्टिक, किस तरह से इस्तेमाल की जाती है, क्या ये आपके स्किन के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, किस तरह से आपको इस्तेमाल करनी है और कौन वो लोग हैं जिनके लिए पर्टिकुलर ये सही रहेगी। एंड लास्ट में बताऊंगा क्या ये वाकई में हमारी नॉर्मल जो हम ट्यूब यूज करते हैं, लोशन यूज करते हैं, जो सनस्क्रीन इसे रिप्लेस कर सकती है या नहीं कर सकती। इफ यू नो यू नो मी, सब्सक्राइब टू द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। एक्चुअली सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज सनस्क्रीन स्टिक। सनस्क्रीन स्टिक एक तरह की स्टिक होती है, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है। जैसे आपने डिओडोरेंट स्टिक यूज की होगी ना, आपको अपने अंडर आर्म्स पे लगानी होती है, वैसे ही फोम बेस्ड स्टिक रहती है। और ये एक इनविजिबल, यू कैन से वाटरी टाइप ऑफ सनस्क्रीन रहती है, जिसमें बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट आपको देखने को नहीं मिलती। इट जस्ट रेडी टू यूज, इसमें आपको बिल्कुल भी फिंगर्स का इस्तेमाल करना नहीं होता। आप नॉर्मल जैसे आप डिओडोरेंट लगाते हैं ना, ऐसे करके वैसे आप अपने फेस पे सनस्क्रीन लगा सकते हैं एंड यू आर गुड टू गो। सबसे पहला इसका फायदा है कि आप इसे अपने साथ कैरी कर सकते हैं, इट्स वेरी ट्रैवल फ्रेंडली। इतनी सी आती है ये स्टिक, आप अपने जेब में रख सकते हैं, अपने जिम बैग में रख सकते हैं, आप अपने ऑफिस बैग में रख सकते हैं, आप जहां भी जाते हैं कहीं पे भी लेके जा सकते हैं एंड अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से इसे अप्लाई कर सकते हैं। अक्सर मैं देखता हूं लोगों को कि भैया हमारे पास टाइम ही नहीं होता है, या फिर हम बाहर जाते हैं दोबारा से सनस्क्रीन कैसे लगाएं, क्योंकि एज यू ऑन लो 2 से 3 घंटे के बाद आपको सनस्क्रीन दोबारा लगानी होती है। एंड दैट लीड्स टू आपके एक तो हाथ गंदे होते हैं, हाथ गंदे होने की वजह से एक तो सनस्क्रीन आप अवॉइड करते लगाना, अगर आप लगाते भी हैं तो आपके पोर्स में आपके हाथों में जो जमा गंदगी होती है वो क्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से आपको एक्ने देखने को मिलता है। सो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर दोस्त जो कि बाहर रहते हैं या फिर बाहर जॉब करते हैं, तो आप अपने जेब में रख के ले जा सकते हैं। एंड द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज जस्ट टेक इट आउट एंड रब लाइक दिस एंड यू आर गुड टू गो। सो आपको बिल्कुल भी अपने चेहरे को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, एंड बिकॉज अपने चेहरे को नहीं छू रहे हैं तो आपके हाथों पे जो गंदगी है वो भी आपके चेहरे को नहीं छू रही है एंड यू विल बी एक्ने फ्री जस्ट लाइक मी। लेकिन जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि जो सनस्क्रीन स्टिक्स आती हैं वो आपको हायर कॉन्सेंट्रेशन में SPF देती है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर आपको ज्यादा देखने को मिलता है, 50 से 80 SPF का देखने को मिलता है। लेकिन इनकी क्या कवरेज रहती है उतनी, विल टॉक अबाउट दैट। हमारा थर्ड बेनिफिट है कि आप चाहे ऑटो में हो, चाहे ट्रेन में हो, चाहे बस में हो, आप कहीं पे भी है और आपको लगता है कि आपने फेस पे सनस्क्रीन नहीं लगाई, मतलब अपने फेस को कॉन्डम मतलब सनस्क्रीन से प्रोटेक्ट नहीं करा, हंसने की जरूरत नहीं है, सनस्क्रीन इज अ कॉन्डम फॉर योर फेस, सो आपने फेस को प्रोटेक्ट नहीं करा, सो यू कैन सिंपली जस्ट पुल इट आउट एंड रब योर फेस, गुड टू गो। अगला जो हमारा बेनिफिट है वो दोस्तों ये है कि कुछ लोग की बहुत ही अच्छी आदत होती है कि वो जब वो सनस्क्रीन को निकालते हैं, रेगुलर सनस्क्रीन को निकालते हैं, तो आधे से ज्यादा टाइम तो वो हाथों को मल्ले में लगा देते हैं, देन अपने फेस को अप्लाई बाद में करते हैं, ठीक है। तो आधा प्रोडक्ट उनके हाथ में लग गया, तो उनका पैसा और प्रोडक्ट का जो रेशियो है वो ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता, प्रोडक्ट जल्दी जल्दी खत्म होता रहता है। अगर मैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करूं तो हाँ, ऑब्वियस सी बात है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस में ये जो प्रोडक्ट है मतलब जो सनस्क्रीन के स्टिक्स आएंगी वो ज्यादा रहेंगी अच्छी, क्योंकि इसमें आप प्रोडक्ट अब सीधा आपके मुंह पे लग रहा है या फिर जिस भी एरिया पे लगाएंगे वहां पे लग रहा है। एंड सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको प्रोडक्ट वेस्टेज देखने को नहीं मिल रहा, बिकॉज आप इस तरह से पहले इस्तेमाल करके इस तरह से नहीं लगा रहे, आप डायरेक्टली अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हैं। ये जो सनस्क्रीन स्टिक्स आने वाली है ये टारगेटेड एरियाज पे भी लगा सकते हैं आप, और आपको अच्छा प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने मुंह पे सनस्क्रीन लगा लिया लेकिन आपके कान रह रहे, तो आप इस सनस्क्रीन स्टिक्स अपने कानों को कवर कर सकते हैं, इस तरह से लगा सकते हैं, अपनी गर्दन को कवर कर सकते हैं, बैक ऑफ योर नेक लगा सकते हैं। और अगला जो बेनिफिट है वो ये है कि आप जब भी सनस्क्रीन लगाते हैं उसमें अक्सर आपको व्हाइट कास्ट देखने को मिलती है, लेकिन क्योंकि जो सनस्क्रीन स्टिक्स आएंगी इसमें एबोबेंजोन यानी कि केमिकल फिल्टर देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको ज्यादातर व्हाइट कास्ट नहीं देखने को मिलेगी, और ये बहुत ही वाटरी सब्सटेंस रहेगा जो कि आपके फेस पे सीधा ग्लाइड होगा और आपको एक अच्छा प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और वो दूर भागते हैं जब भी आप उन्हें सनस्क्रीन लगाते हैं, जब भी वो खेलने जाते हैं, तो आप उन्हें ये स्टिक दे सकते हैं और आप उनको बोल सकते हैं कि हर 2 से 3 घंटे में लगाना, हालांकि लगाएंगे नहीं वो, लेकिन आप एज अ पेरेंट आप उनका ध्यान रख सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि छोटे बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा काम करेगी। एंड मेरा लास्ट पॉइंट है कि अगर आप नहीं चाहते कि आपको अपना मेकअप धोना पड़े और आपको अपना फेस प्रोटेक्ट भी करना है फ्रॉम सन, तो आप रीअप्लाई करने के लिए फेस धोइए मत, आप रीअप्लाई करने के लिए सनस्क्रीन स्टिक को डायरेक्टली अपने मेकअप के ऊपर भी अप्लाई कर सकती है एंड आपको सेम लुक देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ लगाई है। हमने इसका गुड पार्ट जान लिया, आप जान लेते हैं कि क्या इसका बैड पार्ट है यानी कि कॉन्स क्या है इसके, आइए बात करते हैं उनके बारे में, देन आई विल गिव माय फाइनल वर्डिक्ट। पहला हमारा कॉन है कि जब भी हम मैनुअली सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं
ट्यूब वाली, तो हमें पता रहता है कि हम कितनी सनस्क्रीन अप्लाई कर रहे हैं और वो कितनी देर तक चलेगी। लेकिन जब हम ये स्टिक फोम वाली सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं तो हमें नहीं पता है कि कितनी देर तक चलेगी और हमें कितना प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका जो सर्फेस एरिया है, जो आगे की स्टिक है, वो बहुत ज्यादा छोटी है। तो चांसेस आर कि बहुत सारे एरियाज आप छोड़ देंगे, मतलब ऐसे करा तो नीचे वाला एरिया छूट गया, नीचे से ऊपर करा तो यहाँ वाला एरिया छूट गया, आईज के पास वाला एरिया छूट गया, माथे का एरिया कहीं कहीं छूट गया, हेयरलाइन के पास वाला एरिया छूट गया, कानों के पीछे वाला एरिया छूट गया। सो दीज आर ऑल द स्पॉट्स जो कि आप छोड़ सकते हैं। अगेन, जैसे कि मैंने कहा कि आप बड़े पार्ट्स, यानी कि आपके हाथ हो गए, ठीक है, आपका पूरा गला हो गया, या फिर आपका पैर वगैरह हो गए, समर्स में जो जो एक्सपोज्ड एरिया होते हैं उनको आप सनस्क्रीन से ढकते ही हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टिक्स का इस्तेमाल करने लग गए तो कितनी देर लगेगी और चांसेस आर कि आप हर एक एरिया को कवर नहीं कर पाएंगे इफेक्टिवली। सो यहाँ पे भी ये मात खा जाती है। लास्टली, कुछ लोगों को एक्ने भी हो सकता है। अब क्योंकि एक नया प्रोडक्ट है तो हो सकता है कि कुछ लोग के जो स्किन है ये इस पर रिएक्ट कर जाए, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, आप एक ही स्टिक फोम को बार बार लगाएंगे तो कुछ बैक्टीरिया तो आपके फेस पे भी होते ही है ना। जब आप बाहर जाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप प्लास्टिक की पन्नी पहन के जाते हैं अपने फेस पे, तो जब आप बाहर जाते हैं तो बैक्टीरिया तो लगते ही हैं, बाहर का फ्री रेडिकल्स तो अटैक करते ही हैं। तो जब आप उसी फ्री रेडिकल से भरे फेस पर एक बार ग्लाइड करेंगे तो फ्री रेडिकल्स आपके फोम स्टिक पे चिपक गए। अब आप जब दोबारा से अपने फ्रेश फेस इस्तेमाल करेंगे तो अगेन वो वहीं पे अटैक कर सकते हैं एंड देन आपको एक्ने हो सकता है। सो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। सो ये रही इसकी दूसरी साइड, हमने गुड साइड की बात करी, हमने बैड साइड की बात करी। नाउ इट्स माय फाइनल वर्डिक्ट कि मैं क्या सोचता हूँ इसके बारे में। इट्स अ गुड टूल एंड इट्स अ रेवोल्यूशन इन स्किन केयर, जो कि सनस्क्रीन को शायद ना रिप्लेस कर पाए जो नॉर्मल सनस्क्रीन आती है, बिकॉज इसके नुकसान मुझे ज्यादा लगे एज कम्पेयर टू उसके फायदे। एंड सेकेंडली, ये बहुत ज्यादा महंगी रहेंगी एज कम्पेयर टू जो आजकल 200-300 रुपए में आपको सनस्क्रीन मिलती है। एज एन इंडियन कस्टमर, हम उन प्रोडक्ट्स को चुनते हैं जो कि हमें हमारे बजट में हो। तो बजट में कौन सी आएगी आपको पता है, लेकिन इफ यू वॉन्ट टू टेक योर स्किन केयर गेम ऑन द नेक्स्ट लेवल, यू कैन यूज इट एज अ टूल। जब आप बाहर जाएं तब लगा लें, बाकी घर में है तो अपनी नॉर्मल सनस्क्रीन लगाएं, ठीक है। सो विद दैट बीइंग सेड, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी आउट इन द कमेंट सेक्शन, एंड ये ना मेरा इंस्टाग्राम, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव अ थम्स अप एंड मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।